7 फरवरी को भाजपा महिला मोर्चा की मंडल महामंत्री देविका कौशल के बेटों पर हमले का आरोप कुछ लोगों पर लगाया गया था। मामले में पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष की ओर से एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। आज एक पक्ष के लोगों ने डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र को पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट होकर ज्ञापन सौंपा। भाजपा महिला मोर्चा की मंडल महामंत्री देवी कौशल व अभिषेक अग्रवाल ने कांग्रेस नेता राकेश सिलावट, गौरव वर्मा सहित अन्य पर हमले का आरोप लगाते हुए डीआईजी से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। आज डीआईजी ऑफिस में पीड़ित किरायेदार महिला ने अपने मकान मालिक के साथ आकर डीआईजी से कहा कि आरोपी पक्ष और मेरी मकान मालिक की आपस में रिश्तेदारी है, किंतु आरोपी गौरव वर्मा हमसे मकान खाली कराना चाहता है, इसलिए वह आए दिन हमें परेशान करता है। 7 तारीख को उसने जबरन हमारे घर में घुसकर हमसे झगड़ा किया। डीआईजी ने पीड़ित पक्ष को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये मेरे किराएदार हैं और मैं मुंबई में रहती हूँ, और ये जो गौरव है ये क्रिमिनल टाइप है। इसने पहले भी 2006 में मेरे भाई भाभी की हत्या प्रॉपर्टी को लेके करी। अब मेरी प्रॉपर्टी है, कोर्ट ने आदेश दिया है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमने सारे एविडेंस पुलिस में दिए। एक महीने से हम हर वक्त पुलिस को हर इन्फॉर्म कर रहे, पर कुछ नहीं हो रहा, और इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही। कल उन्होंने इस पर हमला किया और मुझे भी कॉल किया, थर्ड कॉल, कि तुम इंदौर आए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। आप जो है, आपका भाई बीजेपी से जुड़े हुए थे, इसलिए कथित लोग भी क्या बीजेपी से जुड़े हैं या कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? क्या वो कांग्रेस से? वो कांग्रेस से, उनके साथ एक राकेश सिलावट है, उसके साथ मिलके इन पे हमला कराया उसने। क्या ये क्वेश्चन भाटकर मन 64 से, और क्या कहते हैं, मेरे दोनों बेटे रहती, मेरे दोनों बेटे, इन्हें हम लोग पानी भर रहे थे और इन्हें ना मतलब राखोड़ी डाली इन्होंने हमारे तीनों के मुँह पे। हम तीनों माँ बेटे हम अंदर मजाक मस्ती कर रहे थे, और जैसे दोनों तरफ के गेट खुले थे, राखोड़ी लाए, मुँह पे डाल दी इन्होंने, उसके बाद इन्होंने ना हमला करा हमारे पे।